Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, we are in Aurangabad. कल शाम को बीवी का मकबरा, पंचक्की सब एक्सप्लोर करके, लोकल एक्सप्लोरेशन करके रूम पे आने के बाद जो सो गए थे ना, अभी ऑलरेडी आधा घंटा आज भी लेट हो चुके हैं. 7:30 बजे निकलना था. इट्स ऑलरेडी 8:15, पौना घंटा लेट है. बट इट्स ओके बिकॉज दौलताबाद फर्स्ट साइट सीइंग पॉइंट इज जस्ट 20 किलोमीटर अवे. सो पहुँच जाएंगे आधे घंटे के अंदर अंदर, 9 बजे के अंदर ही दौलताबाद पहुँचेंगे. दौलताबाद फोर्ट के पास जाके ही ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करके फिर आज का साइट सीइंग चालू होगा. तो अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट करना है, होटल से जल्दी निकलना है. एवरीवन इज सेट, आज कुछ गेयरअप वगैरह नहीं करना है, सिर्फ हेलमेट पहन के निकल जाना है बिकॉज दिन भर साइट सीइंग करके शाम को वापस इधर ही आना है. एंड देयर इज नो लगेज लोडिंग ऑल्सो. तो फट से उठ के सब आज खुश है, मतलब मैं, क्योंकि आज ना बैग्स बांधने हैं ना गियर्स पहनने हैं, कुछ भी नहीं. सो अभी फट से यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं दौलताबाद. छोटा सा ही रास्ता है, 20 किलोमीटर्स, हार्डली हाफ एन आवर एज आई सेड. लेकिन फिर भी अगर रास्ते में कुछ होता है तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर. मिलते हैं बाइक पे. यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि काउंटिंग किलोमीटर्स की मराठवाड़ा यात्रा शुरू होने वाली है. अबे यार 9 बजने आए फिर भी क्या ठंड है इधर. राइडिंग जैकेट मिस कर रहा हूँ मैं अभी. राइडिंग जैकेट का एक फ़ायदा होता है ना, ठंड के लिए भी काम आ जाता है. यू नो वन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट औरंगाबाद, हम लोग जो होटल है हमारा, इट इज़ जस्ट एक्जैक्टली ऑपोजिट टू द रेलवे स्टेशन, मतलब सिटी के एकदम सेंटर में. और वहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर आए हम, और 5 किलोमीटर में लुक एट द रोड, लुक एट द ग्रीनरी. 5 किलोमीटर में हम सिटी से बाहर है. एंड हेयर इट इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ देवगिरी फोर्ट या दौलताबाद फोर्ट राइट इन फ्रंट ऑफ अस. ये रहा सामने, दिस इज़ द दौलताबाद फोर्ट. भी इस पे चढ़ना है. बहुत से अमेजिंग और बोलते हैं ना चौंका देने वाले प्लेसेस है इस फोर्ट में, दिखाऊंगा आपको आगे जाके एक एक. बट वन थिंग दैट आई कैन टेल यू राइट नाउ कि ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है. बहुत बहुत कुछ है इसमें से सीखने लायक और देखने लायक. दौलताबाद या देवगिरी फोर्ट, इस फोर्ट की सबसे खास बात है इस फोर्ट की सिक्योरिटी. दिस फोर्ट वॉज बिल्ट विथ सच मल्टी लेयर्ड एंड प्रिसाइज सिक्योरिटी कि इस फोर्ट को कॉन्कर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. एंड विद द वेरी फर्स्ट स्टेप्स इनसाइड द फोर्ट यू गेट द टेस्ट ऑफ इट. क्योंकि एंट्रेंस से लेके एक्चुअल फोर्ट में पहुँचने तक आप कम से कम 4 या 5 दरवाज़ों में से गुजरते हैं. एंड इट हैज़ गॉट दोज मेनी लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल्स एज वेल. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द फोर्ट एंट्रेंस हैज़ 4 डिफरेंट चेक पॉइंट्स बिफोर यू रीच द एक्चुअल फोर्ट. वैसे यहाँ देखने लायक तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एंट्रेंस के पास ही कैनन्स का पूरा एक गैलरी बनाया हुआ है. देन देर आर नंबर ऑफ टेम्पल्स इनसाइड एंड देन अ कपल ऑफ ओल्ड ऑफिस स्ट्रक्चर्स. लेकिन इस वीडियो में आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मेजर थिंग्स जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जो स्ट्रैटेजिकली बनाई गई थी और जो ऐसी प्लेसेस है जो आप इस विजिट में मिस नहीं करना चाहेंगे. एंड द फर्स्ट ऑफ देम ऑल इज़ द भारत माता टेम्पल. This is the biggest temple in this fort. In fact, I would say this is the biggest temple I've ever seen in any of the forts. Itna bada complex ek temple ke liye maine kahin nahi dekha hai. And it is such beautifully built. Itna sundar hai. You should just go and experience that place.
एग्जैक्टली 10 बजे टिकट्स लेके हम अंदर आए हैं. राइट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 11 o'clock, 10:50 क्रॉस हो चुका है एंड वी आर स्टिल आउटसाइड द फोर्ट ओनली. बाहर ही इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए कि अभी उसमें एक घंटा निकल गया. अभी जस्ट हम फोर्ट के ये मेन डोर पे एंटर करेंगे, यहाँ से एक्चुअल चढ़ाई शुरू होती है. स्टेप्स है बने हुए, मतलब सोचो अगर आप चाहो ना तो पूरा एक दिन यहीं पे भी निकाल सकते हो. अगर आपको पूरी तरह से एकदम इन डिटेल सब कुछ एक्सप्लोर करना है तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी. अभी यहाँ पे भारत माता मंदिर के बाद यहाँ पे और एक पुराना मंदिर है एंड दिस इज़ ऑल आउटसाइड द मेन फोर्ट. फोर्ट के अंदर की चीज़ें तो अभी और देखना बाकी है. सो आफ्टर यू एंटर द एक्चुअल फोर्ट, सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो है ये बहुत बड़ी सी तोफ. इसका नाम है मेंढा तोफ. मेंढा तोफ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेंढा मतलब इंग्लिश में शीप. इस कैनन का जो हेड है इस पे एक शीप का हेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. दिस कैनन इज़ मेड फ्रॉम 5 डिफरेंट मेटल्स मोल्डेड टुगेदर और इसकी रेंज और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि ये एक शॉट में एक पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है. बाय द वे दिस मेंढा तोफ इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनन्स दैट एग्जिस्ट हियर इन इंडिया. नेक्स्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट लीथल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ये खंदक. खंदक का मतलब है पूरे फोर्ट के चारों तरफ बनाया हुआ पानी का एक ऐसा ट्रेंच जिसको क्रॉस करके जाने के लिए आप सिर्फ तैर के ही जा सकते हो. एंड ऑब्वियसली उस पानी में क्रोकोडाइल्स हुआ करती थी. ये खंदक ऑलमोस्ट 50 फुट डीप है, मतलब आपको 50 फुट डीप पानी में से ये इतना विड्थ तैर के जाना है और आपके साथ क्रोकोडाइल्स भी तैरेंगी. जस्ट इमेजिन हाउ यू वुड क्रॉस दिस एंड एंटर द फोर्ट. एंड बाई चांस इफ यू एंड अप डूइंग दिस एंड रीच द फोर्ट, देयर इज समथिंग मोर एंड देयर इज समथिंग रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग. खंदक पार करने के बाद नाउ वी आर एंटरिंग दिस केव्स पाथ. एक्चुअली ये पूरी पहाड़ी के अंदर से बनाया हुआ रास्ता है और किले पर जाने के लिए ये इकलौता रास्ता हुआ करता था. सो ये अभी अल्टरनेट रूट बनाया गया है यहाँ से, जहाँ से डायरेक्टली आप किले पर जा सकते हो, बट वी आर टेकिंग द ओल्ड रूट क्योंकि आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिखानी है. तो यहाँ से ये केव्स का रास्ता शुरू होता है और इसके अंदर एक्चुअली देयर इज अ भूलभुलैया टाइप. अगर कोई बिना कंसेंट के यहाँ पे अंदर आना चाहेगा तो यहाँ भूलभुलैया में फंस जाएगा और आगे क्या होगा ये अपने को अंकल बताएंगे क्योंकि अपने को मालूम नहीं है क्या होने वाला है. ओके, इसके आगे इन अंकल ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन मैंने शूट तो की है, बट ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड मी कि उस वीडियो को आप कहीं पे यूज़ मत करो, पब्लिश मत करो, बिकॉज जब लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आने के बाद यहाँ से इस भूलभुलैया में से उनको गाइड करना यही हमारा रोज़ी रोटी का जरिया है. तो ही वॉज हेजिटेड अबाउट इट. तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं इस तरह से दिखाऊंगा कि लोगों को इस भूलभुलैया का टेस्ट तो आ जाएगा लेकिन जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो आपके बिना इससे क्रॉस नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स गो ऑन दिस जर्नी नाउ. अच्छा, गोल करून परत तिथे चालू आपण, फक्त ते फसवण्यासाठी हे पण म्हणजे बघ ना खालनं तुम्हाला वाटलं पण नाही की आपण तिथेच येणार फिरून. खाली बघा पायऱ्या आहेत दोन. आई शपथ. अच्छा ह्याच्यामध्ये ना इकडे हा बघूच शकत नाही. अच्छा हे लपून बसण्यासाठीच्या जागा आहेत. भारी ना, म्हणजे शत्रू आला त्याला दिसणार पण नाही पाय कोणी कापला. खतरनाक ना. हां, पूर्ण एका दगडात ये पूर्वी. बंद करू का?
त्या लाईटवरच सगळं खेळायचं, म्हणजे तुमच्यासोबत मशाली वगैरे असतील तरच. मी लढाई कधी करता धडपडूनच मरेल एखादा. त्यांच्या पूर्ण एका कातळात कोरलं आहे ते पण स्पायरलमध्ये. दोन रस्ते आहेत. अच्छा, म्हणजे हा एक रस्ता आहे आणि हा, आणि पुढे जाऊन दोन्ही एकच होतं. म्हणजे अर्धे इकडून अर्धे तिकडून गेले तर स्वतःच्याच लोकांना मारायचं. हा म्हणजे तू तिकडून आला मी इकडून आलो, आपण आपणच एकमेकांना मारणार आहे काळोखात. अच्छा, म्हणजे वरनं ते सल्फर वगैरे केल्यामुळे धूर येणार. मी इथे आलेला माणूस विचार करेल इकडून थंड हवा येते तर इकडे जायचं. हे दिसतंय का आता? इथून डायरेक्ट कडे लोटत रे, म्हणजे इथून खाली पडणार तर डायरेक्ट खंड कर. इथून वरती गेल्यावर बारादरी वगैरे सगळं. अच्छा, कसा लगा भुलभुले यार? वैसे अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक मैं ये केव के अंदर से ही चल रहा हूँ. बट जो एक्चुअल भुलभुले वाला पार्ट है, जहाँ से आप नीचे गिर सकते हो या जहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए जो भी बनाया हुआ है, वो सब यहाँ से नीचे था जो अंकल ने बताया. अभी यहाँ से ये पूरा वहाँ तक खोद के ही बनाया हुआ है. मतलब इस किले पर आने के लिए देयर इज नो अल्टरनेटिव वे, आपको कंपलसरी इसके अंदर से ही आना है. और अभी ये जो खुला हुआ रास्ता आपको दिखा, वो अभी बनाया हुआ रास्ता है. मतलब अगर आप यहाँ के राजा के मेहमान नहीं हो तो आप ऊपर पहुँच ही नहीं सकते. देयर इज नो वे यू कैन स्किप दिस और डॉज दिस, आई वुड से. सी, ये जो प्लेस है ना, इसके नीचे एग्जैक्टली खड़े थे हम. तो एज ही वाज सेइंग कि यहाँ कुछ भी दिखने वाला है आपको, और आप सोचोगे किधर जाना है, उतने टाइम में यहाँ से आपके ऊपर गर्म तेल फेंक देंगे. भूलभुलैया से जस्ट ऊपर आने के बाद ये गणेश मंदिर है. एक्चुअली 1000 साल पहले, मतलब 11वीं सदी में जब ये बना था, तब ये शिवजी का मंदिर बना था. एंड देन इन द रीन ऑफ औरंगज़ेब दिस वाज डिस्ट्रॉयड. मतलब अंदर की शिवलिंग को हटाया गया, उसकी जगह पे ये ऊपर भी घुमट बनाया गया, मस्जिद में कन्वर्ट किया गया इसको. एंड देन अगेन इन पेशवे एरा इसको शिफ्ट, व्हाट यू कॉल, वापस यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बिठाई गई है. दैट्स द हिस्ट्री अबाउट दिस टेम्पल. अहेड फ्रॉम दिस प्लेस, इस फोर्ट में दो तीन इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है देखने लायक, मोन्यूमेंट्स, जैसे कि बारादरी है, और फोर्ट के एक्सट्रीम टॉप पे एक और बड़ी सी तोफ है रखी हुई जो 360 डिग्रीज में पूरा अटैक कर सकती थी. लेकिन हमें आज के ही दिन में एलोरा केव्स और खुलताबाद भी एक्सप्लोर करना था, सो वी डिसाइडेड टू वॉक बैक आफ्टर गणेश मंदिर, और दोपहर को हम एलोरा केव्स चले गए. लेकिन एलोरा केव्स की कहानी अगले व्लॉग में देखेंगे. अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.